वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, हु ऑल आर ज्वाइनिंग, प्लीज लीव अ मैसेज। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग शिखा, इस्मत, मंथन, दामिनी, आरती, अंशु, अमन, तारा, रागिनी, सुभाशीष, शैलेंद्र। केजीएफ थ्री में रॉकी से ओके बेटा, मैंने केजीएफ देखी नहीं है तो नो आइडिया। ठीक है, चलो मेरी आवाज आ रही है, आई एम लाउड एंड क्लियर टू एवरीवन। सो अ वॉर्म वेलकम, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो आई होप एवरीबडी इज फाइन, हैड अ लंच एंड होपफुली हैड अ पावर नैप ऑल्सो। सो दोज हु आर स्लीपिंग, प्लीज टेल देम प्लीज वेक अप, नाउ इट इज द टाइम दैट दे शुड वेक अप बिकॉज द एग्जाम इज वेरी नियर, नॉट लाइक मच डेज आर लेफ्ट। सो विल कंप्लीट आर ज्योग्राफी पोर्शन टुमारो, सो विल डू द वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, देन एनवायरमेंट इकोलॉजी टुमारो। सो मोनू, अमन, रोहित, शिखा, रवि, सौम्या, गोविंद, अंकिता, आयुष्मान, सबका बहुत बहुत स्वागत, अ वार्म वेलकम, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो शुरू करते हैं सेशन को आज के, एंड ऑल क्लियर, थैंक यू सुदीप्ता, थैंक यू गोविंद। तो आज के सेशन में काफी सारी चीजें हैं, आज का सेशन भी जो है थोड़ा सा ठीक है, जैसे वो कौन सी मूवी है राजेश खन्ना की, कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए मेरे दोस्त, तो आज का सेशन भी वैसे ही बड़ा होने वाला है, लेंथ वाइज भी, मतलब ड्यूरेशन वाइज भी और कंटेंट वाइज भी। तो अपने थोड़ा सा सर में मालिश कर लीजिए, थोड़ा रिफ्रेश हो जाइए। सर, नैप लेने का तरीका क्या है? नैप लेने का तरीका बस यही होता है बेटा, जब बहुत मेहनत की हो ना और बहुत आपने एग्जॉस्ट हो रखे हो, तो 15 से 20 मिनट में जो नींद आती है ना, वो बिल्कुल ऐसा होती है कि रिफ्रेशिंग, ठीक है, वैसे वाली रिफ्रेशिंग के तरोताजा वाली। ठीक है, चलो हाँ जी, पेटी, कुर्सी की पेटी बांध ले, शुरू करते हैं आज के सेशन को। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दें सो दैट एवरीबॉडी कैन कम। सो दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स। इसके अलावा teamnishtha.com इज लाइव, सो यू कैन गो एंड डाउनलोड द PDFs ओवर देयर, यू कैन लाइक कनेक्ट विद मी। नीजा मूवी में सुना था ये डायलॉग, ये डायलॉग नीजा मूवी से पहले जो वो मूवी है, अरे बड़ी अच्छी मूवी है, राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन वाली, इफ यू हैव नॉट सीन दैट मूवी, मस्ट वॉच मूवी है। कई लोग कहेंगे पेपर पास में सर मूवी सजेस्ट कर रहे हैं, चलो ओके। सो दिस इज द QR कोड एंड द UPI ID फॉर द वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डेढ़ घंटे से ज्यादा मत रखना आप, सब्जी लेने भी जाना है हमको, रखना आप सब्जी लेने भी जाना है, कोई बात नहीं बेटा, सब्जी का टाइम बिल्कुल मैं आपको दूंगा। ठीक है, सब्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी देखो चीज़ें चलती रहेंगी, पढ़ाई वढ़ाई सब चीज़ें चलती रहेंगी, सब्जी, खाना पीना, सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं कोई कभी भी जो है कमी नहीं रहने देता हूँ, पढ़ाई हम बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हाँ, आनंद मूवी, यस आनंद मूवी, चलिए शुरू करते हैं। सॉयल एंड वेजिटेशन, एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स। तो वेरी वेरी गुड इवनिंग, ठीक है, हेयर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। जय हिंद मुकुल, जय हिंद कीर्ति, ठीक है। देखो ये सब क्या है, ये सब्जी से पहले का टाइम, ये टाइम जो है हम जैसे कहते हैं ना कि कई कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कहाँ टाइम वेस्ट करता रहता है, तो ये बेसिकली वो है। देखो इंपॉर्टेंट काम तो वही है सबसे, प्रकाश ओझा का डाउट मिस हो गया, कोई बात नहीं प्रकाश ओझा, अभी आज का सेशन जो है आनंद मूवी की तरह थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, सो डोंट वरी। ओके, सो लानोस, प्रेरीज, पंपास, डाउन्स,
तो पहले ही क्वेश्चन में मैं बहुत सारी स्लाइड्स लेके आया हूं। अगर आपको याद हो, वर्ल्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें मैं कई सारी चीजें डिस्कस करता था, ठीक है जी, और की हैं। तो आज वर्ल्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को 5 से 7 मिनट में जल्दी से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं बहुत बेसिक में नहीं जाऊंगा, होपफुली कि आपने वो पढ़ रखा है। होपिंग प्रेरीज कहां पर है? यस, देखो मैं इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले देखूंगा डाउन, ठीक है। डाउन्स किसको बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया का नहीं, मैच होता है क्रिकेट का। सो देयर इज अ लवली क्या कहते हैं, सीजन आउट देयर इन डाउन अंडर, ठीक है। ग्रेट मैच डाउन अंडर, डाउन अंडर बेसिकली ऑस्ट्रेलिया। सो इट इज डी का वन, ठीक है जी। सो डी का वन, सो डी का वन तो ये क्रॉस हो गया। सो आई एम लेफ्ट विथ ए का टू, ठीक है। लानोस वेनिजुएला साउथ अमेरिका, यस। ओके नाउ प्रेरीज इज यूएसए, सो थ्री, सो इट इज फोर। अर्जेंटीना, सो 2, 3, 4, 1, सो इट इज डी, ठीक है जी। राहुल का वाले क्या कह रहे हैं? बोट कैरिंग महाराष्ट्र पोस्ट, प्रेरीज यूएसए, यस, ठीक है। हाँ, इसको ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, ठीक है जी। इसको ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। अब इसमें से ये बताओ, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कौन से हैं और टेम्परेट ग्रासलैंड्स कौन से हैं? ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये एक बार थोड़ा आज रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सवाना टाइप क्लाइमेट, सवाना टाइप क्लाइमेट, या जिसमें हमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स मिलते हैं, जिसमें आपको एक डिस्टिंक्ट वेट सीजन मिलता है गर्मियों में और सर्दियों में ड्राई सीजन मिलता है, ठीक है। ट्रेड विंड्स की वजह से बारिश होती है, ट्रेड विंड्स की वजह से जो ऑन कमिंग या कह लीजिए ऑन शोर ट्रेड विंड्स हैं, ऑन शोर ट्रेड विंड्स की वजह से बारिश मिलती है, पर इतनी नहीं होती कि वहां पे रेन फॉरेस्ट हो, पर इतनी भी कम नहीं होती कि डेजर्ट हो। तो ये रेन फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में ट्रांजिशनल एरिया होता है, ठीक है। ये ट्रांजिशनल एरिया होता है। सो यू कैन सी लानोस कैम्पोस, ठीक है। सो दिस इज सवाना एंड दिस इज डाउन। हाँ, कैंटरबरी प्लेन्स इन न्यूजीलैंड, ये इसराइल में था, वेरी गुड, ठीक है। मैथ्स का भी ओके ओके, रवि होल्ड ऑन होल्ड ऑन, पहले अभी ये कंप्लीट कर लें। इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, ठीक है। बीच में आई वॉज थिंकिंग ऑफ डूइंग सम सेशन रिलेटेड टू एफ कैट ऑल्सो, के एफ कैट के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको मतलब एक बार जल्दी से उसका मतलब रिवीजन कर लें, जो मॉक जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं। सो हैंड्स आर फुल, सॉरी बट विल ट्राई। ओके ठीक है जी। तो ये है आपका हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। सो यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। सो इक्वेटर पास करता है। जो डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है ये भी कम है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ये भी कम है, मतलब ज्यादा फर्क नहीं है हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर में, और बारिश बहुत होती है 2 से 4 बजे के बीच में, रोज बारिश, कन्वेक्शनल रेनफॉल, यस कन्वेक्शनल रेनफॉल, इसीलिए आपको रेन फॉरेस्ट मिलता है, कैनोपी, ठीक है, मेगा थर्मल जोन भी इसे कहते हैं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। अब इसमें कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या है, ये सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आई एम होपिंग कि आपने रिवाइज कर रखा है, ठीक है। बड़ी कृपा होगी अगर 2 क्लास मैथ्स की भी हो जाए, ठीक है जी। सिर्फ जोक याद आ गया, कृपा होगी आप पर, ठीक है, आपको कृपा की जाएगी आप पर भी। सॉरी ओके, कहाँ था मैं, रेन फॉरेस्ट, ठीक है जी। सो कन्वेक्शनल रेनफॉल, डायरनल, एनुअल रेंज, ठीक है। चलिए बीच में कृपा भी काफी चली थी। ओके सो डेजर्ट क्लाइमेट, ठीक है, हॉट डेजर्ट और मिड लेटिट्यूड डेजर्ट। शिवम कुमार, शिवम कैन आई आंसर दिस क्वेश्चन आफ्टर द क्लास, सो लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक, ठीक है। यस, नाम नहीं ले रहे, नाम देखो कई चीजें बिना नाम लिए नाम नहीं लिया जाता है। चलो डेजर्ट क्लाइमेट क्या था, डेजर्ट क्लाइमेट में तीन चीजें थी। एक आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है जी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ट्रेड विंड डेजर्ट्स। अब ट्रेड विंड बेचारे कह रहे हैं हम तो बिल्कुल आलू की तरह हो गए हैं, ठीक है। सवाना भी हमारी वजह से है, डेजर्ट भी हमारी वजह से। हमने कहा कि बेटा ऐसा है कि तुम ईस्टर्न कोस्ट पे तो बारिश कर दिए, वेस्टर्न कोस्ट पे क्यों नहीं किए, वहां तक पहुंचते पहुंचते
बाल्टी खाली हो गई, ठीक है, पानी सारा खत्म कर दिए, तो यहां पर वेस्टर्न कोस्ट में हो गए डेजर्ट, ठीक है जी। तीसरा इफेक्ट हो गया कोल्ड करंट का, तीसरा इफेक्ट हो गया कोल्ड करंट का, ठीक है, डेजर्ट क्लाइमेट। सो मोहावे डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट, नामिब कालाहारी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, ठीक है, ये हो गए ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ये हो गए आपके। ये नेक्स्ट वीक कौन सा सब्जेक्ट कराएंगे? नेक्स्ट वीक इकोनॉमी चलेगा, ठीक है। ओके, क्लियर, आगे चले। नेक्स्ट है मेडिटेरेनियन, ठीक है जी। सो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, वेस्ट मार्जिन क्लाइमेट, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका इक्वेटर है, ठीक है। ये होता है शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट की वजह से, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट की वजह से। अब सर्दियों में क्या हुआ कि सर्दियों में आईटीसीजेड थोड़ा नीचे की तरफ भाग गया, तो ये हो गई आपकी ट्रेड विंड और ये आ गया वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में। किसके इन्फ्लुएंस में आ गया? वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में। सिमिलरली जब गर्मियां आई हमारे लिए और साउथ के लिए सर्दियां, तो ये आ गया वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में, वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में। तो यहां पर होती है विंटर्स में रेनफॉल, ठीक है, और समर्स ड्राई रहते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है वाइन, तो इसकी वजह से ग्रेप कल्टीवेशन या सिट्रस फ्रूट्स की कल्टीवेशन बहुत बढ़िया होती है। जो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट होते हैं ज्यादा हाइट के नहीं होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर गर्मियों में ज्यादा रहता है, जैसा अभी आप देख भी रहे होंगे हीट वेव चल रही थी, टेम्परेचर ज्यादा रहता है गर्मियों में, सर्दियों में बारिश होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। मैंने आपको कई बार बताया है फ्रेंच वाइन, स्पेनिश वाइन, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। ओके, क्लियर हो गया, मेडिटेरेनियन क्लियर हो गया, विटीकल्चर बोलते हैं, बिल्कुल ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं? शुड आई गो अहेड? मैं रिवाइज करा रहा हूं ये सारी चीजें, इज इट हेल्पिंग और नॉट, सारी चीजें ये डायग्राम डायग्राम से। ओके, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स में क्या था, बारिश कम होती है पर इतनी होती है कि ग्रासलैंड हो, बिल्कुल स्टेपी टाइप क्लाइमेट। मैंने आपको सेंट्रल एशिया की फोटो दिखाई है कई बार, सेंट्रल एशिया में बहुत बढ़िया, ठीक है, जो है ग्रासलैंड्स आपको मिलते हैं, स्टेपी टाइप क्लाइमेट। हंगरी में पुश्ताज, हंगरी में, हंगरी एक देश है, ठीक है। सो ये हो गया प्रेरीज, यहां पर आपको चिनोक विंड मिलती है, चिनोक विंड, स्नो ईटर्स बर्फ खाने वाली, ठीक है जी। ओके, पंपाज अर्जेंटीना में, ठीक है जी। उसके बाद प्रिटोरिया अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी प्लेन्स, कहां पर, कैंटरबरी ग्रासलैंड या कैंटरबरी प्लेन्स, दैट इज इन न्यूजीलैंड, ठीक। चलो तो ये हो गया आपका, ये कौन सा हो गया, स्टेपे टाइप क्लाइमेट, स्टेपे टाइप क्लाइमेट। ओके, नेक्स्ट है ये मैंने आपको बता दिया, प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, ऑस्ट्रेलियन बोश, ये हो गया। चलो इसके बाद वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट क्यों था, ये आपका इक्वेटर था, आईटीसीजेड नॉर्थ में शिफ्ट कर गया, तो ये जो ईस्टर्न वाला पोर्शन है जिसको चाइना टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं, चाइना टाइप क्लाइमेट, इधर गल्फ टाइप, जो ये फ्लोरिडा हो गया, यूएस का सदरन वाला पार्ट, ठीक है। तो इसीलिए आपको यूएस के इस वाले पार्ट में क्या मिलता है, बारिश मिलती है, कॉटन कल्टीवेशन। हाँ जी, 12वीं क्लास की एनसीईआरटी, थर्ड एनसीईआरटी, थीम पार्ट 3, थर्ड चैप्टर कॉलोनियल सिटीज। यूके में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, उसमें कॉटन जो है, कॉटन, रॉ कॉटन कहां से आता है, 90% से ज्यादा यूएस से आता है। 1861 की सिविल वॉर होती है, कॉटन आना बंद हो जाता है, यहां डेकन जो प्लेट्यू है हमारा, वहां के कॉटन फार्मर्स को बंपर पैसा मिलता है। बट जैसे ही सप्लाई रिज्यूम होते, हिस्ट्री का पार्ट आ गया बीच में, वैसे थोड़ा मैं डाइवर्ट कर गया, बट चीजों को लिंक करना सीखो, तो इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर गल्फ टाइप क्लाइमेट है, बारिश अच्छी होती है, इसलिए आपको यहां पर कॉटन कल्टीवेशन और जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर मिलता है, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस थिंग, चीजों को रिलेट करो। और उसके बाद क्या होता है, डेकन राइट्स कमीशन बैठता है, डेकन में राइट्स होते हैं 1875 में, हिस्ट्री भी लिंक कर दिया, ठीक, आगे चलते हैं। गल्फ टाइप, चाइना टाइप, नटाल टाइप, ओके, आगे। कूल टेम्परेट, कूल टेम्परेट में क्या है,
हमेशा वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में रहता है, यूके का क्लाइमेट, इसीलिए यूके में बहुत ज्यादा हार्श विंटर्स नहीं होती हैं, ठीक है। और सिमिलरली आपका ये इलाका, ठीक है, जो अलास्का का कह लीजिए इलाका है, अलास्का से थोड़ा साउथ में जो कनाडा का इलाका है, ठीक है। साइक्लोन बॉम्ब भी एक आया था यूएस कनाडा में, विद्यासागर, यस दैट इज इन दिस पार्ट जो आपको मिला था, ठीक है। यस, कूल टेम्परेट सिर्फ नॉर्थ में ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलता है। सदर्न हेमिस्फीयर में क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में खत्म, सदर्न हेमिस्फीयर में लैंडमास ही नहीं है, कूल टेम्परेट लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट। तो जो आपका कनाडा का और न्यूयॉर्क वाला एरिया है, ठीक है, ईस्टर्न कनाडा और नॉर्थ ईस्ट यूएसए, और यहां पर आपका जापान, कोरिया पेनिनसुला, किम जोंग उन, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट चाइना और सॉरी कामाचटका पेनिनसुला, वो वाला एरिया कूल टेम्परेट लॉरेंशियन टाइप। टुडे मैंने देखा, चलो टाइगा और टुंड्रा में क्या फर्क है? टाइगा कॉनिफेरस फॉरेस्ट, टुंड्रा ये बेसिकली 55 से 66.5 डिग्री आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल तक, ठीक है, ये आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल के बियॉन्ड टुंड्रा टाइप, जहां पे बिल्कुल बर्फ है, नो ट्रीज, लोएस्ट फॉर्म ऑफ वेजिटेशन दैट इज मॉसेस एंड लाइकेंस, ठीक है। सो यहां पर आपको कॉनिफेरस ट्रीज मिलते हैं, सो विंटर्स आर कोल्ड लॉन्ग। चलिए ठीक, अरे वर्ल्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन कुछ रिवाइज हुआ कि नहीं 5-7 मिनट में? चले आगे, कुछ फायदा हुआ इस चीज का या मैंने ऐसी इतनी मेहनत की? चलो आई होप इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं थोड़ा रिवाइज कराया इसको। आगे देखो, मैप दे दिया, ठीक है जी, मैप दे दिया और एरियाज मार्क्ड इन द मैप अबव अकाउंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैश क्रॉप्स, कॉटन, ग्राउंडनट, शुगर केन, टबैको, ठीक है जी, हो गया रिवाइज, चलिए गुड गुड गुड, थैंक यू। ओके आगे चलते हैं, परमाफ्रॉस्ट, यस, देखो परमाफ्रॉस्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी रीजन में है। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? परमानेंट प्लस फ्रॉस्ट, तो टुंड्रा रीजन में मिलेंगे, बट टाइगा में भी जो एक पर्टिकुलर सीजन है सर्दी वाला उसमें भी आपको मिलेगा, फिर वो पिघल जाता है, फिर लाइकेंस एंड मॉसेस, बट वेट मेनली आपको कह सकते हैं कि टुंड्रा में ही है। यस यस, कॉटन, ये तो कई बार कराया मैंने क्लास में, ठीक है, इसके लिए तो मैं अपने होम टाउन में आपको एक वीडियो भी भेजी थी टेलीग्राम पर, ठीक है, अगर आपको याद हो, कॉटन कल्टीवेशन पंजाब की, मालवा रीजन की, सदरन पंजाब की, ठीक है। सो दिस इज कॉटन। देखो लॉजिकली सोचो, ये वाला जो एरिया है ये है कॉटन के लिए बहुत फेमस, कॉटन, यस ठीक है जी, नटवर लाल, ठीक है, यस, मूछे हो तो नटवर लाल जैसी, वरना ना हो। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लेटराइट सॉइल्स ऑफ इंडिया। लेटराइट सॉइल्स आर जनरली रेड इन कलर, लेटराइट सॉइल्स आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटाश, लेटराइट सॉइल्स आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी, टैप्योका एंड कैश्यू नट्स ग्रो वेल इन दिस सॉइल। ओके, कौन सा स्टेटमेंट सही है? बीटी कॉटन वाला वीडियो, यस, सर आप पंजाब से हो? अच्छा, हाँ मैं बेटा एनआरपी हूं, नॉन रेजिडेंट पंजाबी, सेटल्ड इन दिल्ली, बट यस बेसिकली फ्रॉम पंजाब। ओके, सो देखो इंडिया की सॉइल जो है, मैक्सिमम सॉइल, लगभग सारी ही सॉइल नाइट्रोजन डेफिशिएंट है, ये तो पल्ले बांध लो, ये याद कर लो, ठीक है, नाइट्रोजन रिच नहीं है, इसीलिए आप देखेंगे इंडिया में किसान इज वेरी लाइकली टू यूज, हां जी, यूरिया, यूरिया नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर है, ठीक है जी। सो इट इज, नो इट इज रॉन्ग, लेटराइट सॉइल्स आर वेल डेवलप्ड, राजस्थान बेटा, लेटराइट सॉइल जहां पर लीचिंग ऑफ द सॉइल मिलता है, High rainfall and yes, high humidity, पानी नीचे, मतलब वो नीचे चला जाता है, high temperature की वजह से आपको क्या मिलता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ अच्छी मिलती है, उसकी वजह से जो कह लीजिए जो डेड लीव्स एंड प्लांट्स हैं
वो डिग्रेडेड हो जाते हैं जल्दी, डिकम्पोज जल्दी हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं. वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स नीचे चले जाते हैं, जिसको लीचिंग ऑफ द सॉइल बोलते हैं. लेटर का मतलब होता है ब्रिक, लेटर का मतलब होता है ब्रिक फॉर्मेशन के लिए. क्यों? क्योंकि ब्रिक के लिए क्या चाहिए होता है कि जब मैं मॉइस्चर निकालूं तो बिल्कुल हार्ड हो जाए. इसमें भी ऐसे ही होता है, मॉइस्चर निकाला बिल्कुल हार्ड हो जाएगा. ठीक है, चलिए. लेटराइट सॉइल हैज हाई कंटेंट. यस यस, बिल्कुल मनीष, क्योंकि आयरन और एल्यूमिनियम ऊपर बच जाता है. ठीक है, आयरन और एल्यूमिनियम बच जाता है, लाइम और सिलिका नीचे चला जाता है. यस, ठीक है. सो कैश्यूनट, काजू, कॉफी, ये बहुत अच्छा होता है यहां पर. ठीक है, सो दिस इज राइट. आंसर इज 1 and 4. ड्यू टू इंटेंस लीचिंग, बेस्ट फॉर कैश क्रॉप्स. यस, कह रहे एग्रीकल्चर के लिए अच्छा नहीं है. कह रहे अच्छा, तो फिर कह रहे काजू अच्छा हो जाता है, कॉफी अच्छा हो जाता है. क्या बात है, समझ रहे हो? कह रहे खेती नहीं होती बट ये चीजें हो जाते हैं. क्या मतलब, क्या लोग है अब ये वाला एरिया. ठीक है, सो दिस इज द एरिया लेटराइट सॉइल. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉइल इज आर करेक्ट? एल्यूवियल सॉइल्स आर रिच इन नाइट्रोजन कंटेंट, अभी बताया मैंने. ब्लैक सॉइल्स आर रिच इन आयरन एंड लाइम एंड डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. और लेटराइट सॉइल्स आर रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम बट डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड पोटेशियम. ठीक है जी, बस और क्या चाहिए. सही बात है. ठीक है, 10-15-20 acres हो, बढ़िया से काजू की खेती होती हो, पूरा का पूरा काजू एक्सपोर्ट होता हो. चलिए बढ़िया है. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन. सो एल्यूवियल सॉइल्स आर नॉट रिच इन आयरन कंटेंट, सॉरी नाइट्रोजन कंटेंट. सो दिस इज रॉन्ग. ठीक है जी, सो दिस इज रॉन्ग. ब्लैक सॉइल्स आर रिच इन आयरन एंड लाइम, यस डेफिशियंट इन दिस. सो आंसर हो गया आपका 2 and 3. सो दिस स्टेटमेंट इज राइट, रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम एंड दिस इज नाइट्रोजन पोटेशियम. यस, सो दिस इज सी. ठीक है जी, सो लो पोटाश फॉस्फोरिक एसिड एल्कलीज आर एडिक्वेट, आयरन ऑक्साइड एंड लाइम वाइट विद इन अ रेंज. डोलोमाइट पाउडर इज अप्लाइड इन सम एग्रीकल्चरल लैंड. ठीक है, डोलोमाइट पाउडर इज वॉट इज इनो फॉर यू. ठीक है, जो इनो कब पीते हैं आप, या वो गैसो फास्ट है ना, कब याद आता है आपको? छोले भटूरे खा रखे हो, ठीक है, दवा के पेल रखा हो 4-5 छोले भटूरे, मतलब बिल्कुल ऐसे डकार लेते वक्त भी ऐसा लग रहा है कि यार क्या है, एसिडिटी. ठीक है, चलिए. सो तो क्या होता है ये इनो में, क्या होता है? बेस होता है, बेस. जैसे ही आप पीते हैं तो एकदम ऐसा लगता है ना, मुंह और नाक से एक गैस निकलती है, लगता है हाँ अब ठीक, थोड़ा चैन पड़ा. ठीक है, तो बेसिकली वो गैस रिलीज हुई, आपकी पीएच जो है काफी नीचे चली गई थी छोले भटूरे खाने के बाद, तो पीएच को बढ़ाता है. ठीक है, सो इट इंक्रीज द पीएच, समझ रहे हो? सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट एनसीईआरटी. यस, सो इट इज द पर्पज इज टू इंक्रीज द पीएच ऑफ द सॉइल. तो एसिडिटी मतलब एसिडिटी बढ़ रखी है, पीएच कम हो रखी है. हाँ, 6 seconds में असर एंटासिड. अब थोड़ा सुरभि ने थोड़ा ऐसे पढ़े लिखो वाला आंसर दिया है एंटासिड, और फिर वो पैंडी ने बोला, बट जो देसी भाषा में तो वही है कि मम्मी पूछती है डकार आया कि नहीं. हाँ मम्मी, आ गया डकार, आ गया, अब ठीक लग रहा है. ठीक है, चलो. सो सॉइल पीएच, व्हाट इज इट? मेजर ऑफ एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ सॉइल और कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑयल इन द सॉइल सॉल्यूशन. तो आपका डोलोमाइट डाला जाता है ताकि पीएच को बढ़ाया जा सके, मतलब एसिडिटी को कम किया जा सके. शायद कोई एग्जांपल में आपकी तरह हिंट देता हो, मजा ही आ जाए. चलिए बेटा, पेपर में कोई हिंट नहीं देगा, ये सारे कहानी इसलिए होती है पेपर में याद रह जाए. चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, पर ऐसा ना हो पेपर में कि जोक याद रह जाए, मेन जो कंटेंट है वो बोल जाओ. जोक से कंटेंट भी याद रखना है, खाली जोक जोक ही नहीं याद रखना. ओके, आगे चलते हैं. चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? हाँ जी, नेचुरल वेजिटेशन से को लेकर जो है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? सो साल इज फाउंड इन मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, कैजुअरीना इज लार्जली फाउंड अलोंग द कोस्टल रीजन ऑफ तमिलनाडु, देवदार इज अ कॉनिफेरस स्पीसीज ऑफ ट्री. ठीक है, और शोला फॉरेस्ट आर
found mainly on the upper reaches of Himalaya. तो शोला फॉरेस्ट कहां पर है? शोला फॉरेस्ट आपका वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स में भी, स्पेशली आपका जो कार्डमम अन्नामलाई और आपका नीलगिरी हिल्स. सो इनमें आपका ये आपको मिलता है शोला फॉरेस्ट. बेसिकली एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है जी, एवरग्रीन फॉरेस्ट है. सो इट इज साउथ. देवदार आपका, देवदार कौन सा, कॉनिफेरस, शंकुधारी, शंकुधारी, ठीक है. सो इट इज द कोस्टल रीजन ऑफ तमिलनाडु. दिस सॉइल इज मॉइस्ट डेसिडुअस. हवा नहीं, हवा ही नहीं लगी. अच्छा, बी क्वेश्चन, शोला फॉरेस्ट हमने पढ़ रखा है हर्षवर्धन की, ठीक है जी. चलो यस, अनाई मदाई, हाँ कैन, है ना, ये याद रखना. कार्डमम हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, इसकी ट्रिक बता रखी है मैंने. द रेशियो ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया टू द नेट सोन एरिया इज कॉल्ड क्रॉप, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप रोटेशन, क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्रॉपिंग डाइवर्सिटी. हाँ जी, कुल शस्य क्षेत्रफल के वास्तविक बुआई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहा जाता है? शस्य सघनता, फसल चक्र की तीव्रता, फसल उत्पादकता, शस्य विविधता. हाँ जी, जय हिंद नेहा, वेलकम टू द सेशन बेटा. ओके, सो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, वेरी सिंपल. देखो ये इसका मतलब क्या है, मान लो एक एक किसी का 10 एकड़ की जमीन है, 10 एकड़, 10 बीघा, कुछ भी मान लो, 10 हेक्टेयर, जो भी आप मानना चाहते हो, मतलब 10 है, तो उसमें वो ये कहता है कि मेरी दो सीजन में क्रॉप्स हुई, ठीक है जी, और एक सीजन में मैंने 8 एकड़ जमीन यूज की और दूसरे में मैंने 9 एकड़ यूज की, तो 17 एकड़, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, तो उसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी 170%, ठीक है जी. सीएपीएफ में भी था ये क्वेश्चन. यस, बिल्कुल सही कहा खुशी ने, बिल्कुल ठीक है. सो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, देखो क्रॉप प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, है ना, जो आपको भी बढ़ाने की जरूरत है, आउटपुट बढ़ाओ, है ना, हमेशा क्या कहा जाता है, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ. चलिए ओके, चलिए आएगी आएगी, विजय पंत आपके पास भी आएगी, विजय प्लस ए प्लस पंत आपके पास भी आएगी. Which of the following plus with regard to Mediterranean agriculture is a correct? Mediterranean agriculture is highly specialized commercial agriculture. It is intensive subsistence agriculture dominated by wet paddy cultivation. It is primitive subsistence agriculture. Viticulture is speciality of Mediterranean region. Question English में जब समझ में दिक्कत आता है सोचता हिंदी पढ़ेंगे और वो नहीं आता तो हाँ ये होता है. कई बार ऐसा होता है कि ये मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि पहला मतलब एक होता है ना कि नेचुरली आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, पहले लगता है यार ये समझ नहीं आया, हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में उससे भी खतरनाक होता है, उसके बाद लगता है नहीं नहीं पहले इसी को समझ लेते हैं, तो कई बार हिंदी ट्रांसलेशन उससे भी खतरनाक होती है. बट हाँ, इट एट टाइम्स इट हेल्प्स, ठीक है, अगर आप मान लो हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे तो कई बार क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाता है फाइंड आउट करना, कई बार हमें कोई वर्ड स्पेसिफिक नहीं समझ आ रहा होता. अब देखो मेडिटेरेनियन जो एग्रीकल्चर है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस क्या है, सी या डी, कंफ्यूज. ओके ओके ओके, लेट मी दिस. देखो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, सब्सिस्टेंस क्या होता है, जीवन यापन. देखो हिंदी, इसको हिंदी में पढ़ो, जीवन निर्वाह कृषि. भाई साहब ये कौन सी कृषि है जिसमें वाइन बन रही है, दुनिया भर में वाइन बिक रही है और जीवन निर्वाह हो रहा है, बस कैसे तैसे गुजारा करके, बस रात में 2 बॉटल वाइन पी लेते हैं, बस गुजारा चल रहा है हमारा. तो चलिए, जीवन सघन जीवन निर्वाह कृषि जिसमें आर्द्र धान की खेती प्रधानता है, नहीं बेटा नहीं, ठीक है ये सही है, ठीक है, वाणिज्य खेती, कमर्शियल खेती है, और ये भूमध्य सागर, ठीक है, ये आपका इसमें विटीकल्चर होता है, वाइन, ठीक है. चलिए कह रहे ये बड़ा गरीब किसान है, कैसे कह रहे, बस
दो ही ग्लास वाइन पीने को मिलता है, बाकी बस ऐसे तैसे गुजारा चल रहा है। चलिए, सो आंसर इज 1 और 4, ये दोनों गलत है, दोनों गलत है। इंटेंसिव और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ये हमारे यहां होती है भाई, ये हमारे यहां होती है। मैं डायग्राम दिखाता हूं, रुको, ये देखो, इसे कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, है ना, मतलब जो हमारे देश में होती है भाई। एक छोटा किसान है, जैसे तैसे, मतलब हम कह रहे हैं कि 2 हेक्टेयर तक, जिसमें 5 एकड़ हम जमीन ले रहे हैं, तो 85% हमारे किसान वैसे हैं, ठीक है, वो है। यस अंकित, मैं सोच रहा हूं सैटरडे का मेरा दिन फ्री है, पोर्टफोलियो ही करवाया हूं, लॉकडाउन में ये, ठीक है। सबसिस्टेंस फार्मिंग इज ओके, देखो इसमें दोनों में फर्क क्या है, एक है इंटेंसिव सबसिस्टेंस जो जनरली आपको नॉर्थ इंडिया में कह लीजिए मिलती है, जो छोटा और मझोला किसान करता है। प्रिमिटिव फार्मिंग हो गया जो पुराने तरीके से, जिसमें हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखते हैं, नोमैडिक हर्डिंग देखते हैं, ठीक है, शिफ्टिंग और नोमैडिक हर्डिंग देखते हैं। कमर्शियल फार्मिंग में एक हो गया गेहूं की खेती, किसी के पास 100 एकड़ जमीन है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कह रहा है कि जी कह रहा किसान अपने खेतों को देखने जा रहा है, कहते अच्छा फिर कैसे जा रहा है, कहते उसके पास हेलीकॉप्टर है, उससे एक चक्कर मारेगा, पूरा खेत देखेगा, कह रहा कितना खेत है, अगर 1000 एकड़ का खेत है, बंदा वैसे ही पगला आ जाएगा, 1000 एकड़ मतलब वो खेती देखने गया है, ठीक है। दूसरा है मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग में क्या है, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग, एक तरफ भाई साहब बी कीपिंग चल रहा है, एक तरफ कैटल मतलब कैटल रेयरिंग हो रहा है, एक तरफ गेहूं की खेती चल रही है, ठीक है जी, मतलब बिल्कुल ऐसा है कि पैसा बरस रहा है। तीसरा है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, मोनोकल्चर जिसे बोलते हैं, मोनोकल्चर, ठीक है जी, मोनोकल्चर, मोनोकल्चर मतलब सिंगल क्रॉप है, सिंगल क्रॉप, जैसे आपने कहा कि पेगिंग, आई हैव नॉट रेड दिस टर्म, सॉरी अमनीश, प्लीज डू टेल मी ऑल्सो, ठीक है। सो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में सिंगल क्रॉप, बनाना कल्टिवेशन, ठीक है, कॉफी कोई भी एक सिंगल क्रॉप है, पूरे के पूरे उसमें रबर प्लांटेशन, ओके, क्लियर हो गया, ठीक है, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी, अजितेश डन, आगे चले, ओके। ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम प्रोवाइड्स ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज दिस इज नॉट करेक्ट। चलिए, हाँ, यस यस, टी, यस, बट टी, हाँ, टी में भी प्लांटेशन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इट हैज हैवी रेनफॉल, हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, द बायोम इज कॉल्ड मेगा थर्मल, मैंने अभी बताया भी था, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम एक्सटेंड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, द मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ दिस बायोम टेकन प्लेस इन सेंट्रल एंड सदर्न कैलिफोर्निया एंड नॉर्थ वेस्टर्न कोस्टल अफ्रीका ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न कोस्टल लैंड ऑफ अफ्रीका। नो आइडिया, नहीं देखो मैंने अभी, किसने कहा नो आइडिया, अगर आइडिया नहीं भी था, मैंने अभी पहले ही क्वेश्चन में सारे वर्ल्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पढ़ाया, अगर नहीं भी याद आ रहा तो आप ये सोचो, अगर ये स्टेटमेंट सही है, इक्वेटर के पास में अगर है, तो कैलिफोर्निया इक्वेटर के पास में नहीं है, कैलिफोर्निया 40 डिग्री नॉर्थ लगभग, अप्रोक्सीमेटली, दैट इज मेडिट्रेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, Mediterranean type of climate, so this is wrong, so answer is D, not correct, pucha hai, heavy rainfall, high temperature, mega thermal zone, yes, 10 degree north and south, California mein toh bahut garmi hoti hai, bilkul, thik kaha, natwar, thik hai ji, chaliye, willy willy kya tha, willy willy, nahi, galat pakad liya aapne willy willy se, thik hai, साइक्लोन्स के नाम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू एरिडोसोल, वन ऑफ द सॉइल ऑर्डर्स इज नॉट करेक्ट। हाँ जी, इसको थोड़ा सा आज फिर दोबारा से 5 मिनट लूंगा आपके, ये सॉइल, ये USDA वाली क्लासिफिकेशन को, कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है पेपर में, क्योंकि थोड़ा इस बार जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, अभी मैंने 2022 के क्वेश्चन ऐड नहीं किए, ठीक है, वो मैं कल ऐड करूंगा, जो मिसलेनियस वाले टॉपिक्स हैं, ताकि उसमें सारे कवर हो जाए,
तो ये 2021 तक ही क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार भी आपका पूछा गया था सॉयल वाला ये क्वेश्चन, और टफ क्वेश्चन था वो सॉयल का। ठीक है, ओके। हाँ वैसे देखो, अगर लॉजिकली सोचोगे, ये बच्चे सब सो रहे हैं, जो बाकी थे सुबह वाले में तो अच्छे खासे थे, उनको थोड़ा जगा दो, फोन कर दो कि भाई साहब आ जाओ सेशन में, कुछ सीख लो, इतनी इंफॉर्मेशन है इसमें। सुबह की क्लास में बहुत मोटिवेट किया, चलिए बहुत धन्यवाद। एरिडो सोल, एरिड, एरिड क्या होता है? सूखा ग्रस्त एरिया। सूखा ग्रस्त एरिया में हाई ऑर्गेनिक कंटेंट। हाई ऑर्गेनिक कंटेंट के लिए क्या चाहिए? पेड़ पौधे होने चाहिए, जीव जंतु होने चाहिए, जानवर होने चाहिए, तो वो एरिड वाले एरिया में होते हैं, तभी तो वो रेगिस्तान है, क्योंकि ये सारी चीजें नहीं है, वेजिटेशन नहीं है, तो हाई ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा। लैक ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, यस। लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोनेट्स एट डेप्थ, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन, सॉल्ट आ जाता है ऊपर, कार्बोनेट्स ऊपर आ जाते हैं, ठीक है जी। सो डीप वाइड क्रैक्स, डज नॉट हैव ऑर्गेनिक कंटेंट, यस। इस टाइम खा पी लिया, ठीक है, चौड़े होके सो रहे हैं बेटा, यूपीएससी भी चौड़े होके जो है बिल्कुल बाहर कर देता है वो। चलो, एक बार आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि इन सॉइल्स में, देखो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के क्लासिफिकेशन है, ठीक है जी, तो वो इन बेसिस पे इसको क्लासिफाई करता है, इनसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स, वर्टिसोल्स, एरिडोसोल्स, अल्टीसोल्स, मॉलीसोल्स। अब ये कहानी क्या है, अब इसको थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं। देखो एक बार आपका क्वेश्चन सीधा सीधा, ये एनसीईआरटी का टेबल है, तो इसमें पूछा गया था कि सबसे ज्यादा किसका परसेंटेज है, सो दैट इज इनसेप्टिसोल 40%, ठीक है, दैट इज 40%। अब इसमें ना मैं एक टेबल लेके आया हूं, तो रूट फॉर्मेशन को अगर आप थोड़ा याद कर लेंगे ना, रूट फॉर्मेशन मतलब कि जैसे आपने कहा कि बायोलॉजी, तो बायो प्लस लॉजी, ठीक है, जोग्राफी, जियो जियो अर्थ, ग्राफी मीन स्टडी, स्टडी ऑफ अर्थ। तो इस तरीके से अगर आप बेसिक टर्म्स को समझेंगे तो थोड़ा सा याद करना इजी हो जाएगा। तो एक बार एक सो देख लीजिए, ठीक है, जैसे एक्वा है वाटर, एंथ्रो मीन्स ह्यूमन, ठीक है, अर्क का मतलब होता है वाइट क्ले, ठीक है, कैल्क कैल्शियम से लाइम, ठीक है, क्राई क्रायोजेनिक कोल्ड, जैसे हमने क्रायोजेनिक इंजन, ड्यूर ड्यूरस हार्ड फाइबर, ठीक है, उसके बाद जिप्सम हो गया, हेमी से हाफ हो गया, आईसीआर, नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं मानता, हम अपनी क्लासिफिकेशन आईसीआर यूएसडीए की क्लासिफिकेशन क्यों मानेगा स्वामी पटनायक, हमारे पास अपनी क्लासिफिकेशन है हमारे, ठीक है, ओके ठीक है, लेट मी फिनिश विद दिस। ये जैसे हिस्टोसॉल है, हिस्टोसॉल, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, ठीक है, टिश्यू, तो इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा आपको। सिमिलरली ह्यूम, ह्यूम से अर्थ, ह्यूमस, तो इसमें भी आपको ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, ठीक है। ऑर्थ, जो ऑर्थ मीन्स ट्रू, ऑर्थोडॉक्स, कॉमन वंस, ये हो गया आपका। अब मैं इस पे एक और, मेरे पास टेबल है, सो जस्ट वांट टू, यस, एल्फीसोल्स, तो ये एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे एरिडोसोल है, एरिडोसोल में ड्राई एरिड एरिया में मिलता है आपको, एंटीसोल मीनिंगलेस रीसेंट, जो रिसेंटली डेवलप हुआ है, ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं जैसे आपकी खादर सॉइल है, या कह लो एल्यूवियल सॉइल है, ठीक है। जेलीसोल फ्रीज, जेल फ्रीज हो गया, ठीक है, फ्रीज कहां पर होगा, ठंडे इलाके में फ्रीज होगा ऑब्वियसली। हिस्टोसोल, जहां पर आपको ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है, टिश्यू मिल रहा है, ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है, शैलेंद्र। अब मेरे को ये बताओ कि यहां पर इस क्वेश्चन का कोई रेलेवेंस है कि मैं उसमें इतना ले लूं, उसमें इतना ले लूं, इसमें इतना ले लूं, जो मैं चीज बता रहा हूं उस पे आप क्वेश्चन जो पेपर में पूछेगा तब आप सोचेंगे अरे यार सर ने तो पढ़ाया था, मैंने सुन लिया होता तब तो आज ये क्वेश्चन ठीक हो जाता, ठीक है। अभी आप कैलकुलेशन में लगे हुए हैं, कैलकुलेशन पेपर में काम बिल्कुल नहीं आती है, जो पहले से इतना कैलकुलेट करके चलता है ना, मैं सही बता रहा हूँ, पेपर बिल्कुल, क्योंकि पेपर में आप इतना कैलकुलेट नहीं करते हैं कि मैं इसमें इसमें ये ले लूंगा, इसमें ले लूंगा, ठीक है, थोड़ा फोकस करते हैं प्लीज, ओके, लेट अदर्स फोकस ऑल्सो, ओके। सो इंसेप्टिसोल होता है इंसेप्टम, इंसिपियम, बिगनिंग, इंसेप्शन से है, स्टार्टिंग से, ठीक है, स्टार्टिंग से। चलिए, मॉलिसोल्स सॉफ्ट,
सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट है। ऑक्सीसोल फ्रेंच ऑक्साइड, ऑक्साइड से है बेसिकली, ठीक है। तो अल्टी अल्टी अल्टीमस, अल्टीमस का मतलब होता है लास्ट, अल्टीमेट, नहीं हम कहते अल्टीमेट बंदा है भाई, ठीक है। वैसे ही मैं कह रहा हूँ चलेंद्र भाई अल्टीमेट है, कहाँ पर बात चल रही है, ठीक है। हम यूएन यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचे हुए हैं, यहाँ कैलकुलेशन मैथ्स की चल रही है। सो अल्टीमस वर्टी वर्टी वर्टोस से टर्न इन वर्ट, ठीक है जी। चलो सो जेली सोल क्या है, परमानेंटली फ्रोजन सॉइल, ठीक है, विच आर अबंडेंटली फाउंड एट एक्सट्रीमली हाई एलिवेशन अंटार्कटिक और आर्कटिक रीजन में। देखो चीज को ना थोड़ा सा जेल से याद कर लिया आपने फ्रीज, तो आपको फ्रीज से याद आ गया कि ये टुंड्रा या टाइगा में मिलेगा, ठीक है जी। तो ये हो गया, मोटा मोटा याद हो गया। द सॉयल इज इन्फ्लुएंसेज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है। यहां पर आपको ये लास्ट वाली लाइन जो याद करनी है, हिस्टोस, हिस्टोस से हमने क्या करा था, टिश्यू, टिश्यू मतलब ऑर्गेनिक कॉन्टेंट, ऑर्गेनिक कॉन्टेंट मतलब इसमें आपको ऑर्गेनिक कॉन्टेंट मिलता है अपर पोर्शन में, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ड्राइड लीव, ट्विग्स। तो ये कहां पर होगा, क्या ये डेजर्ट एरिया में होगा, नहीं, ठीक है। सो दिस इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर फार्मलैंड्स, माइक्रोब्स आपको मिलते हैं। एंडी सोल्स, वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक मटीरियल होल्ड्स अ ह्यूज क्वांटिटी। देखो जहां जहां वॉल्केनो आता है वहां सॉइल बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अंदर के मिनरल्स बाहर आते हैं, ठीक है, वॉल्केनिक मटीरियल। सो हेंस मेकिंग दिस सॉइल वेरी प्रोडक्टिव एंड फर्टाइल। ऑक्सीसोल्स अबंडेंटली फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन, ऑक्साइड से हमने देखा यहां पर, ये देखो ऑक्सीसोल्स फ्रेंच ऑक्साइड, ये कब हुआ, राइटिंग के नंबर भी मिलेंगे, ओके। दे आर ग्रेट डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ऑक्साइड्स, ठीक है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड्स आपको मिलता है। दिस सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर गार्डन्स और प्लांटेशन। वर्टिसोल्स अ क्ले टाइप ऑफ सॉइल, कैपेसिटी टू श्रिंक एंड स्वेल, कैपेसिटी टू श्रिंक एंड स्वेल, ओके। एरिड सॉइल डेजर्ट एरिया में, जहां पर आपको सॉल्ट मिलेगा, जिप्सम कार्बोनेट्स मिलेंगे। मॉली सॉल्स हाईली फर्टाइल सॉइल, अब मॉली का क्या मतलब था, ठीक है, मॉली सॉल्स का मतलब था सॉफ्ट, सॉफ्ट मॉलीज, ठीक है। तो मॉली सॉल का था आपका सॉफ्ट, हाईली फर्टाइल सॉइल विद डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ग्रासलैंड्स में आपको मिलता है, इसको ग्रासलैंड सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। पूर्णिमा नहीं बेटा अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। एल्फी सॉल्स, ठीक है, सॉइल अंडर फॉरेस्ट वेजिटेशन विद क्लाइमेटिक नेशंस, ठीक है, ये आपको जो है, फिर एल्फी पे चले जाओ, एल्फी मींस कह रहा है पेडेल्फर, मीनिंगलेस, ये हो गया। और एंटी सोल्स लोएस्ट ऑर्डर विद नो सॉइल डेवलपमेंट, एक ये भी देख लो, ठीक है। इक्वेटर पर हो आप, ठीक है, इक्वेटर से कह रहा चले तो पहले ऑक्सीसोल्स और अल्डी सोल्स मिले, एरिडो सोल्स मिले, फिर मॉली सोल्स मिले, ठीक है जी, फिर आपको मॉली सोल्स, फिर एल्फी सोल्स, इनसेप्टी सोल्स, पोडोसोल, जेली सोल्स, यस, कुछ 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 पल्ले पड़ा। अभी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 2022 में पूछा गया था, उसमें आपका इसका यूज होगा है, इस चीज का, इस एप्लीकेशन का। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग ज्योग्राफर्स इज रिलेटेड टू द प्राइमेट सिटी कंसेप्ट। मेरी एनर्जी बिल्कुल भी लो नहीं है, मेरी एनर्जी लो तब हो जाती है जब मैं कोई बहुत सीरियस चीज पढ़ा रहा होता हूं और आप लोग नहीं सुन रहे होते, तो मेरे को बुरा लगता है, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मेरे को पता है ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और कई जो है कहीं और ही उसमें चल रहे होते हैं, तो मेरे को लगता है कि मैं इतने सारी चीजें ढूंढ के लाया, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है। देखो हर टाइम पे मैं जोक नहीं मार सकता, ठीक है, हर पॉइंट पे जोक नहीं हो सकता, कॉन्टेंट है, कॉन्टेंट में बीच में फेलर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि जोक है और उसमें थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, पढ़ाई में बीच में थोड़े बहुत जोक है, ठीक है। अच्छा चलो, एनीवेज, प्राइमेट सिटी क्या है, प्राइमेट सिटी क्या होता है, प्राइमेट सिटी क्या होता है, स्किप, ओके, चलो नाम नहीं पता, पर प्राइमेट सिटी क्या होता है। अच्छा जो दिल्ली वाला है ना, दिल्ली वाला क्या कहता है, भाई दिल्ली पता है कितना बड़ा शहर है, ठीक है, मतलब शहर के अंदर भी कई सारे शहर हैं,
ठीक है। सो प्राइमेट सिटी जो है वो, नहीं, एंशंट नहीं, जो इतना बड़ा सिटी हो चुका है कि उसके आस, मतलब जो एक कंट्री में जब एक सिटी इतना बड़ा हो जाए कि जो सेकंड नंबर वाला सिटी है वो उसके सामने एक छोटा शहर है, मतलब वो शहर इतना बड़ा हो गया कि बाकी सारे शहर जो हैं उसके सामने छोटे हैं। अब जैसे इंडिया का केस लगा लो, इंडिया में आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक प्राइमेट सिटी है। अगर आप दिल्ली कहते हैं तो दिल्ली के साथ साथ बॉम्बे खड़ा है, या मुंबई खड़ा है, चेन्नई खड़ा है, कोलकाता खड़ा है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, अहमदाबाद है, ठीक है। ये सारे सिटीज अपने आप में मेगालोपोलिस हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जनरली ये छोटे देशों में आपको मिलता है। छोटे देशों में क्या मिलता है कि उनकी कैपिटल सिटीज इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उनके कंपैरिजन में बाकी सारे शहर बहुत छोटे नजर आते हैं, ठीक है। लंदन, यस एग्जांपल, लंदन इतना बड़ा शहर है कि उसके आसपास उसके कंपैरिजन में कोई शहर ही नहीं है। सो दैट इज प्राइमेट सिटी, ठीक है। ये वहां से आया कंसेप्ट। सो इन कमेंशुरली लार्ज सिटी इन द अर्बन पैकिंग ऑर्डर ऑफ कंट्री रीजन, ये कंसेप्ट दिया था ज्योग्राफर मार्क जेफरसन ने, आइडियोलॉजी ऑफ द सेम इन 1939, ठीक है। मैं आपको इसका बताता हूं। तो ये क्या होता है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, सियोल इन साउथ कोरिया, टोक्यो, कायरो, यस वेरी गुड। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके, कायरो इन इजिप्ट, ठीक है, आपका क्या कहते हैं, इथोपिया, एडिडिस अबाबा, इथोपिया की कैपिटल है एडिडिस अबाबा। आपने एग्जाम्पल, नहीं, टोक्यो इज अ एग्जाम्पल। तो ये शहर इतने बड़े हो गए कि दूसरा शहर इसके आग सामने ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल, अरे भाई साहब आप ही हो बस, ठीक है। तो ये इट इज मैग्नेटिक अट्रैक्शन फॉर बिजनेसेस, सर्विसेज, पीपल। इतना बड़ा शहर हो गया कि हर बिजनेस वहां जाना चाहता है। कैन अट्रैक्ट इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, फ्लो ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन अमंग लार्जर पॉपुलेशन, ये सारी चीजें हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, अर्बन और रूरल इनइक्वालिटी बहुत बढ़ जाती है, इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट, सारा फोकस ही उस शहर पे हो जाता है, ठीक है। कंसेंट्रेशन ऑफ पावर, पैरासाइटिक इफेक्ट, सकिंग वेल्थ, नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इन टू सिटी, पूरा का पूरा उस सिटी को मेंटेन करने में लग जाता है। अब उसकी वजह से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम, पॉल्यूशन। अब दिल्ली में देख लीजिए, पॉल्यूशन, ठीक है, इज वन ऑफ द मेन से, या कह लीजिए जो जितने भी हमारे बड़े शहर हैं इंडिया में, सो वहां पर आपको क्राइम, पॉल्यूशन, ठीक है, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो चुके हैं। ये उसका एक नेगेटिव पॉइंट है। आप ये कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में, अगर मैं नॉर्थ इंडिया को लूं तो दिल्ली इज अ प्राइमेट सिटी, ठीक है। अगर वेस्ट इंडिया को लेंगे तो मुंबई, हाँ मुंबई के कंपैरिजन में अहमदाबाद भी है, बट स्टिल मुंबई इज मच बिगर, ठीक। हाँ जैसे बीजिंग के कंपैरिजन में शंघाई है, बिल्कुल क्लियर हो गया, प्राइमेट सिटी का कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये ह्यूमन ज्योग्राफी में आता है, आप 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें दिया हुआ ये कंसेप्ट। ओके आगे चलते हैं। बायोलॉजिकल कम्युनिटी इन इट्स एनवायरमेंट सच एज अ पॉन्ड, ओशन, फॉरेस्ट, इवन एन एक्वेरियम इज नोन एज बायो कम्युनिटी, एबायोटिक एनवायरमेंट, इकोसिस्टम। समझ में आया, चलिए गुड। नहीं, चंडीगढ़ कहाँ, चंडीगढ़ बहुत छोटा शहर है, मतलब उस दिल्ली के कंपैरिजन में चंडीगढ़ कहाँ है। नहीं कानपुर भी नहीं, मतलब हाँ देखो अब बढ़ गए हैं ये शहर, ठीक है, बट उसके प्रपोर्शन में दिल्ली हैज बिकम मच बिगर। हाँ नॉर्थ ईस्ट में कह सकते हैं, गुवाहाटी के कंपैरिजन में कोई सिटी नहीं है। यस यस आंसर इज इकोसिस्टम, ठीक है। बायोलॉजिकल कम्युनिटी, इट्स एनवायरमेंट, पॉन्ड और ओशन, फॉरेस्ट, एक इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट, इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट जिसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। आपका, मैंने जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में, आपकी फैमिली, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, एक इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट हो पूरी सोसाइटी में। सॉरी, हाँ जी। सो इकोसिस्टम इज अ इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट, ठीक है जी। चले आगे, टुवालू, टुवालू हैज बिग, अच्छा सब लोग कह रहे हैं कि अब मेरे शहर का बताओ, ऐसा नहीं होता है कि मेरे शहर का बताओ। चलो, टुवालू हैज बिकम अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन रिसेंटली,
ऐसे मेरे को कॉलेज की एक डिस्कशन याद आ गई, वो आज भी हम डिस्कशन करते हैं। सो एक दिन सब बैठे हुए, सब अपने अपने शहरों के बारे में डिस्कशन कर रहे। अब मैं भी छोटे शहर से, तो अब उस समय पर मॉल का कल्चर शुरू हुआ था। तो आई एम फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड बठिंडा। सो समबड़ी, मतलब सबको लगा, सब लंबी लंबी फेंक रहे। मैं सोचा यार मैं पीछे क्यों रहूँ। मैंने कहा यार हमारे भी शहर में चार चार मॉल हैं। अरे यार बठिंडा में चार मॉल हैं? मैंने कहा अंडर कंस्ट्रक्शन है, बस 2 साल में पूरे हो जाएंगे, ऐसे हल्के में मतलब। ठीक है चलो। सो टुवालू हैज बिकम अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन रिसेंटली। वाई? सो पोटैटो प्लांट दैट कुड ग्रो इन हाई ऑल्टीट्यूड, प्लेस इन इक्वेटोरियल अफ्रीका वेयर स्नो इज फाउंड, न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी टू मीट ग्लोबल वार्मिंग, कंट्री अंडर थ्रेट ऑफ सबमर्जेंस, ठीक है जी, ऑफ आइस मेल्टिंग एंड सी लेवल। ठीक है, तो आंसर हो गया सी, और सॉरी डी, आंसर हो गया आपका डी। ठीक है, देखो छोटे शहर वाला बेचारा ऐसी अपने दिल को तसल्ली दे लेता है। चलिए, सो छोटे शहर में ना एक कॉलेज भी खुल जाता है ना, वो उसकी मार्केटिंग ऐसे करता है फेसबुक पे, पता नहीं, मतलब जैसे जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वहां ब्रांच खोल दी अपनी, वो खुश, अलग खुश होता है। ठीक है, दिल्ली वालों को, वो चार पांच यूनिवर्सिटीज है यहाँ पर। टुवालू इज एन आइलैंड नेशन, मेलेनेशिया इज अंडर थ्रेट। यस, टुवालू कह रहे भाई साहब तुम्हारे लिए ग्लोबल वार्मिंग है, हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अगर ग्लोबल वार्मिंग हुआ इसी पेस पर, पूरा का पूरा टुवालू जो कि पैसिफिक आइलैंड में, सॉरी पैसिफिक ओशन में है, पूरा का पूरा कंट्री डूब जाएगा। ठीक है जी, पूरा का पूरा कंट्री डूब जाएगा। सो आंसर इज कंट्री अंडर थ्रेट ऑफ सबमर्जन ड्यू टू आइस मेल्टिंग एंड सी लेवल राइज। चलिए, यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप्स इज डोमिनेटली फाउंड इन द ब्लू माउंटेन्स, नीलगिरी पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय समूह प्रमुख रूप में पाई जाती है? ठीक है जी, लंबाड़ा, गोंड, जरावाज, टोडास। देखो ये जरावा कहां पर है, ये है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में है, सेंटनलीज, जरावाज, ऑन्जेज, शाम्पेन्स। ठीक है, ये ट्राइब है, इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछते हैं। हमारे भी नया, यस ठीक है जी, यस। सो दैट इज, हाँ जी, दैट इज टोडास। गोंड कहाँ पर मिलता है? गोंड मेनली आपको छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है वहां पर मिलेगा। ठीक है, सो टोडा ट्राइब आपको वहां पर मिलती है। ठीक है जी, सो दिस इज ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन नीलगिरी। ठीक है, जेरी स्केपिंग क्या होता है? जेरी स्केप, देखो जेरी जीरो, जेरिफ जीरो फाइट्स, है ना, फाइट्स क्या होता है, प्लांट, जीरो मींस लो मॉइस्चर, लो मॉइस्चर में कौन से प्लांट होते हैं? डेजर्ट प्लांट्स। सो व्हाट इट इज कंसेप्ट रिलेटेड टू? यस, नटवरलाल। वेस्ट कोस्ट में भील, वैसे आपको पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बड़ी ट्राइब जो है भील ही मिलती है। ब्लू माउंटेन एक पीक है जो मिजोरम की हाईएस्ट पीक है, जिसका नाम, लोकल नाम है फॉगुन पुई, फॉगुन पुई, वो ब्लू माउंटेन है। ये ब्लू माउंटेन्स था, नीलगिरी, दैट इज नीलगिरीज। एक्चुअली इसका आंसर जो है कई बार बड़ा वो रहता है, डाउटफुल सा रहता है, मतलब डी ऑप्शन भी सही है, फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, बट इट इज मेनली रिलेटेड टू वॉट, इट इज अ कंसेप्ट रिलेटेड टू लैंडस्केपिंग, रिलेटेड टू सेव वॉटर, टू सेव सॉइल, वेदरिंग ऑफ रॉक सरफेस। सो आंसर इसका ए भी है, डी भी है, बट बेटर ऑप्शन इज यू कैन से ए, क्योंकि मतलब मेनली इसका मकसद है इस तरीके से। ठीक है, पानी को कंजर्व करना, जहां पानी कम है उस तरीके के पेड़ पौधे लगाना, जैसे आपने मान लो कैक्टस लगा दिया, या जिसमें पानी कम रिक्वायर होता है, जिसमें कम पानी रिक्वायर है आपने उस तरीके की वेजिटेशन लगाई। सो इसको बोलते हैं जेरीस्केपिंग। ठीक, चलो, शॉम्पेन्स आर द वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप ऑफ, शॉम्पेन्स अभी बताया मैंने, शॉम्पेन्स, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार। यस, शॉम्पेन्स कहां के हैं?
जैसे जैसे 4 से 5 बज रहे हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं, इससे मतलब लग रहा है कि हाँ अब चलो ठीक है, नींद तो खुली गई है, थोड़ा लैपटॉप खोल लेते हैं, मोबाइल खोल लेते हैं, सर को सुनी लेते हैं। यस, अंडमान निकोबार, ठीक है जी, अंडमान निकोबार। और इसमें भी निकोबार आइलैंड्स में मिलते हैं आपको शॉम्पेन्स, ठीक है, ग्रेट निकोबार आइलैंड, यस, निकोबार आइलैंड्स में शॉम्पेन्स। थोड़ा मंगोलॉयड फीचर है, मंगोलॉयड फीचर जो आपको जनरली जैसे आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, मंगोलॉयड फीचर्स मिलते हैं। हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग गीतांजलि, वेलकम। चलिए, इन टुंड्रा क्लाइमेट बायोडिवर्सिटी इज कंपैरेटिवली लेस, टुंड्रा क्लाइमेट हैज लेस रिप्रोडक्टिव वार्म पीरियड। बाकी की बता तो दी आपको, बाकी ट्राइब्स भी खुशी, जैसे कि आपको सेंटलीज मिलता है, जरावाज मिलता है, ओंजीज मिलता है, ठीक है, शॉम्पेन्स मिलता है, सारी अंडमान निकोबार की ट्राइब्स हैं, ठीक है। ओके, टुंड्रा क्लाइमेट बायोडिवर्सिटी इज कंपैरेटिवली लेस, टुंड्रा क्लाइमेट हैज लेस रिप्रोडक्टिव वार्म पीरियड। अच्छा, जब जागो तभी सवेरा, यूपीएससी भी यही कहेगा बेटा, तुम पहले जाग जाओ फिर हम सवेरा करेंगे, तुम जाओ घर जाओ, ठीक है। यस, टुंड्रा क्लाइमेट बायोडिवर्सिटी इज कंपैरेटिवली लेस, यस, टुंड्रा में बायोडिवर्सिटी लेस होगी। यस, टुंड्रा क्लाइमेट हैज लेस रिप्रोडक्टिव वार्म पीरियड, सो ठीक है। स्पीशीज रिचनेस, इसका ना आंसर जो है, एक बार मैं, मेरे को भी लेट मी चेक दिस विद क्वेश्चन, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग भी इसका आंसर ए ही होना चाहिए, क्योंकि इन टुंड्रा क्लाइमेट बायोडायवर्सिटी इज कंपैरेटिवली लेस बिकॉज टुंड्रा क्लाइमेट हैज लेस रिप्रोडक्टिव वार्म पीरियड, वार्म पीरियड कम है इसीलिए वहां पर आपको बायोडायवर्सिटी कंपैरेटिवली लेस मिलती है, बट लेट मी चेक दिस क्वेश्चन, ठीक है, एक बार दो तीन जगह चेक कर लेते हैं, सो वी कैन बी श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन। आई विल ब्रिंग द क्वेश्चन टुमारो अगेन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू लैंड यूज सिचुएशन इन इंडिया इज आर करेक्ट, देर हैज बीन अ ट्रिमेंडस डिक्लाइन अंडर द फॉरेस्ट इन रिसेंट ईयर्स, द रेट ऑफ इंक्रीज इन लैंड यूज इन रिसेंट ईयर इज हाइएस्ट इन द केस ऑफ एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज, लैंड सच एज बैरन एंड वेस्ट लैंड अंडर एरिया अंडर पास्चर्स एंड ट्री क्रॉप्स हैव एक्सपीरियंस डिक्लाइन इन रिसेंट ईयर्स। रिप्रोडक्टिव पीरियड नॉट रिलेटेड विद बायोडाइवर्सिटी, बट बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, द काइंड ऑफ प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यू फाइंड ओवर देयर, वो किस पर डिपेंड करेगा कि कितने यहाँ पर प्लांट्स होंगे, कितने एनिमल्स होंगे, रिप्रोडक्शन पर ही डिपेंड करेगा, ध्यान, आइडियल लॉजिकली सोचा जाए तो, ठीक है। ओके, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा डाटा ध्यान में होना चाहिए। सो देयर हैज बीन अ ट्रिमेंडस डिक्लाइन इन एरिया अंडर फॉरेस्ट इन रीसेंट ईयर्स, नो, रादर बढ़ रहा है, ठीक है, रादर आपको बढ़ता हुआ मिल रहा है। द रेट ऑफ इंक्रीज इन लैंड यूज इन रीसेंट ईयर इज हाइएस्ट इन द केस ऑफ एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज, यस, ठीक है, द लैंड यूज सच एज बैरन एंड वेस्ट लैंड अंडर एरिया अंडर पास्चर टू ट्री क्रॉप्स हैव एक्सपीरियंस डिक्लाइन इन रीसेंट ईयर्स, यस, ठीक है, सो आंसर इज सी, ठीक है, आंसर इज सी, इंडिया का ट्री और फॉरेस्ट कवर है रजिस्टर्ड एन इंक्रीज, ठीक है, और दिस इज इट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट कल्टिवेटेड इन करेवास, द लैकेस्टियन डिपॉजिट्स ऑफ सैंड क्ले लोम सिल्ट एंड बॉल्डर्स, करेवास जो बालू मृतका दुमट सिल्ट और गोलाशम का सरोवरी निक्षेप है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती में की जाती है, यस, फर्स्ट रॉन्ग था, इलिमिनेशन से हो गया, नहीं जी आंसर डी तो नहीं है, अच्छा डी है, कंफर्म है, यस। अच्छा ये होता क्या है, नॉर्थ इंडिया में किसी ने सिंघाड़ा सुना है, सिंघाड़ा, सिंघाड़ा, ठीक है, नहीं, एलमेंट तो होता है, वैलेंट भी होता है, सैफरन भी होता है, सिंघाड़ा सुना है, सिंघाड़ा, सिंघाड़ा ये वो लिखेंगे ना, सिंघाड़ा, यस, सो दैट इज डी, लिंगनट, ठीक है।
चलो, करेवा डिपॉजिट्स बेसिकली आपको पहाड़ी इलाके में मिलता है, ये सर सुना है, देख के भी मतलब नाम ही सुन के खाने का मन ना करे, घोड़ा। चलिए, सो दैट इज कास्ट टोपोग्राफी। नहीं, देखो करेवा डिपॉजिट्स बेसिकली क्या है कि जो ग्लेशियल ग्लेशियल ग्लेशियर्स थे, जहां पर लेक्स थी, पीछे चली गए ग्लेशियर्स, मतलब जहां पर आइस एज में आपको वहां ग्लेशियर्स मिल रहे थे, तो उसकी वजह से आपको जो डिपॉजिट्स मिलते हैं, ठीक है, दैट इज करेवा डिपॉजिट्स। टेस्ट तो अच्छा होता है, अपना अपना टेस्ट है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कुड़प्पा कार, रॉकी वेट वेस्टलैंड्स, नानकाई वेट फील्ड्स, पुनकाई ड्राई फील्ड्स, टोटाकल गार्डन लैंड्स। थोड़ा टफ क्वेश्चन अगेन। हाँ जी, पॉन्ड में उगता है, यस यस, ठीक है, पानी में, जहां पानी काफी होता है, तालाब में होता है सिंघाड़ा, यस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, रॉकी वेस्टलैंड्स, नानकाई। ओके गुड, मतलब फिर तो स्किप, नो आइडिया। ये क्वेश्चन एक्चुअली में थोड़ा सा वो था, मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज्यादा पूछ लेंगे, मतलब ये एक्चुअली लोकल नेम्स है, नानकाई, पोनकाई, टोटाकल, सॉरी। सो इट इज द नेम फॉर वन ऑफ द मेन सीजन ऑफ राइस कल्टिवेशन इन साउदर्न इंडिया। नानकाई पुनकाई टोटाकल का लैंड क्लासिफिकेशन, नानकाई ऑफ द वेट फील्ड्स जो हमेशा इरीगेट होते हैं नेचुरल स्ट्रीम्स की वजह से, पुनकाई ड्राई लैंड है जो ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन सीजनल रेनफॉल, और टोटाकल गार्डन लैंड हैं जो कि इरीगेटेड किए जाते हैं आर्टिफिशली बाई लोकल मीन सच एज वेल एंड पॉन्ड्स। तो ये आप कह सकते हैं कि ये नेचुरल है, ये आपका ड्राई फील्ड है, और ये आर्टिफिशियली तैयार किए जाते हैं, और ये जो है रॉकी वेस्टलैंड्स नहीं है, ये राइस कल्टीवेशन, पैडी कल्टीवेशन के लिए यूज होता है। हाँ जी, हाँ ऐसा होता है, पेपर में ऐसा होता है कई बार कि आप क्वेश्चन, आपको लगेगा कि ये पूछा कहाँ से है, मतलब ठीक है, तो दो चार पांच क्वेश्चन होते हैं ऐसे, कोई बात नहीं, देखो जो पूछा गया है उसको पढ़ लिया हमने, बाकी आगे चलते हैं। जियोमॉर्फिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्लांट एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, इजी क्वेश्चन। स्लोप एंगल रिलीफ ओनली, स्लोप एस्पेक्ट रिलेटिव रिलीफ, स्लोप एंगल स्लोप एस्पेक्ट रिलीफ, स्लोप एंगल स्लोप एस्पेक्ट। अब ये होता क्या है, स्लोप एंगल क्या है, स्लोप एस्पेक्ट क्या है, ठीक है। देखो ढाल का कोण, ढाल आकृति और आपेक्षिक उभार, बेसिकली कह रहा है कि स्लोप का एंगल क्या है, ठीक है जी, स्लोप की एस्पेक्ट मतलब उसकी आकृति क्या है, और रिलेटिव मतलब रिलेटिवली उसका रिलीफ क्या है, हाइट की ही बात कर रहा है। तो अल्टीमेटली हम ये कहते हैं ये पहाड़ी इलाका है, इसमें इस तरीके के पेड़ पौधे मिलेंगे, ये समतल इलाका है, ये ऊबड़ खाबड़ इलाका है, ये रॉकी वेस्ट लैंड है, ये डेजर्ट इलाका है, तो ये सारी चीजें हैं। अब आप कहते हैं कि जी जो कलकत्ता का एरिया है या जो सुंदरबन वाला एरिया है वो लो लाइंग एरिया है, ठीक है, तो आपको वो स्लोप एंगल वहां पर समतल है, पहाड़ी इलाका है, हिमालयस में चले जाओगे तो वहां पर आप कहोगे कि जी जैसे जैसे मैं पहाड़ों पे ऊपर जाता हूँ मेरी वेजिटेशन चेंज होती है, हमने पढ़ा ना मॉइस्ट डेसिडुअस है, फिर हम कहते हैं कि जी आपको टेम्परेट ग्रासलैंड मिलना शुरू होते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज मिलना शुरू होते हैं, फिर ग्रासलैंड्स हैं, फिर एल्पाइन मिलता है, सो दिस इज हाउ इट चेंज, सो इट इज डिपेंड्स अपॉन ऑल थ्री, ठीक है जी। ओके, सो रिलेटिव रिलीफ कॉजेज अ सडन चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, स्लो प्लेज अ वाइटल रोल इन डिसाइडिंग व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन काइंड ऑफ एनिमल्स। नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया ऑफ एरेबल लैंड इज टर्म्ड एज एग्रीकल्चरल डेंसिटी, अरिथमेटिक डेंसिटी, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, इकोनॉमिक डेंसिटी। हाँ जी, नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया ऑफ एरेबल लैंड इज टर्म्ड एज, सर सॉलिफिकेशन क्या होता है सेशन, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। वैसे हमने एक बार मनीष जब सीएपीएफ का डिस्कशन किया इस बार, तो हमने डिस्कस किया था उसमें,
फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, ठीक है जी? नहीं, इट इज नॉट, इट इज नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया, सो दैट इज फिजियोलॉजिकल डेंसिटी. ओके, अरिथमेटिक, फिजियोलॉजिकल, एग्रीकल्चर. फर्स्ट मेथड यूज टू कैलकुलेट पॉपुलेशन डेंसिटी इन अरिथमेटिक डेंसिटी, विच इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ गिवन एरिया, ठीक है? और उसके बाद आपका आता है एग्रीकल्चर डेंसिटी, नंबर ऑफ फार्मर्स, स्पेशली एवरी यूनिट ऑफ फार्म लैंड. दिस सिग्निफाइज द पीपल हु वर्क ऑन द वर्क द अर्थ ऑन अ स्पेसिफिक प्लॉट ऑफ लैंड दैट आर यूज फॉर इट. फिजियोलॉजिकल डेंसिटी होता है टोटल नंबर ऑफ पीपल, डिवाइड्स देम अमंग द टोटल फार्म लैंड, ठीक है? तो बेसिकली इसमें नंबर ऑफ फार्मर्स हो गए, इसमें बेसिकली ओवरऑल पीपल हो गए. सो द प्रपोर्शन ऑफ लैंड टू बी यूज मच स्मॉलर देन द अरिथमेटिक डेंसिटी, बट अमाउंट ऑफ पीपल इज मच लार्जर. सो वॉट इज यूज टू बी, सो आप ये कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल डेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी एग्रीकल्चर डेंसिटी से, ऑब्वियसली नंबर ऑफ फार्मर्स कम है. ठीक, क्लियर है ये चीज? ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर? डेयरी फार्मिंग, ग्रेन फार्मिंग, लाइव स्टॉक रेंचिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. हिंदी में भी देख लो, डेयरी कृषि, अनाज खेती, पशुधन, गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह, निर्वाह इंटेंसिव सब्सिस्टेंस. में आपको इंडिया का एग्जाम्पल दिया था अभी, अगर आपको याद हो आगे, क्या इंडिया का एग्जाम्पल दिया मैंने. ठीक है जी, यस, सो आंसर इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. दैट इज नॉट अ कमर्शियल, दैट इज बेसिकली जीवन यापन के लिए है, खुद के लिए है, सरप्लस ज्यादा नहीं है मार्केट में बेचने के लिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड यूज कैटेगरी? फॉरेस्ट लैंड, पैश्चर लैंड, मार्जिनल लैंड, बैरन एंड वेस्ट लैंड. डी वाला एक्सप्लेन करो, डी वाला इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बेटा ये होता है सुदीप्ता, जिसमें कि कम एरिया है, ज्यादा लोग हैं, जिससे हमने एक टर्म पढ़ा है इकोनॉमी में, क्या होता है, कौन सी अनइंप्लॉयमेंट होती है, डिस्गाइज्ड अनइंप्लॉयमेंट. ठीक है, चाहिए जहां पर दो बंदे, वहां पर पांच बंदे काम कर रहे हैं, तो तीन बंदों की नेट आउटपुट जीरो है, बट क्योंकि अपने आप को इंगेज करके रखा है, ठीक है, सो दैट इज डिस्गाइज्ड अनइंप्लॉयमेंट. ठीक, क्लियर हो गया सुदीप्ता? ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड यूज कैटेगरी? निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि उपयोग वर्ग नहीं है? और फॉरेस्ट लैंड, वन भूमि, चारागाह भूमि, उपांत, सीमांत भूमि, उसर, बंजर या व्यर्थ भूमि. देखो इसमें ना आंसर का जो मतलब आंसर है, इसमें दो तीन अलग अलग आंसर्स दिए हैं, मतलब आप चेक करोगे तो वेस्ट लैंड को अभी हमने देखा कि वेस्ट लैंड को भी यूज किया जाता है, ठीक है, यूज किया जाता है, वेस्ट लैंड को रिक्लेम किया जाता है. रिक्लेम मतलब उसमें खाद वाद पानी वानी डाल के उसको रीयूज किया या अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किया. अगर आपको याद हो, हमने अभी रिसेंटली एक ड्रैगन फ्रूट के बारे में पढ़ा था, ड्रैगन फ्रूट, जो ड्रैगन फ्रूट में हमने ये पढ़ा था कि ये वेस्ट लैंड में भी हो जाता है, ठीक है, मतलब कम बारिश में, कम पानी में जो वेस्ट लैंड है उसमें भी हो जाएगा. सो बेटर ऑप्शन यहां पर आती है आपकी मार्जिनल लैंड, ठीक है, पास्चर, पार्शल लैंड तो चारा का मतलब पशुओं को चराने के लिए, फॉरेस्ट लैंड तो ऑब्वियसली. सो मार्शल लैंड कैन सफर फ्रॉम फिजिकल आइसोलेशन लाइक बीइंग फार फ्रॉम एनी अवेलेबल रोड, नो वाटर, सीरियस स्लोप, नो और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन. सो मार्जिनल लैंड है, सो नॉट इज नॉट कंसिडर्ड अ लैंड यूज कैटेगरी. कमलम, यस कमलम, यस, ठीक है, सो दिस इज इट, फॉरेस्ट लैंड, पार्शल लैंड. ओके, सो बेटर ऑप्शन इज सी. ओके, क्लाइमेक्स माइन, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मॉलिब्डेनम इज लोकेटेड इन, मार्जिनल लैंड होगा क्योंकि इन इंडिया मोर देन 20% फार्मर्स इज नोन एज मार्जिनल. बेटा वो मार्जिनल फार्मर उससे रिलेटेड नहीं है, मार्जिनल लैंड से रिलेटेड नहीं है, मार्जिनल फार्मर्स इज डिफरेंट थिंग, मार्जिनल लैंड इज डिफरेंट थिंग. मनीष पांडे, नथिंग, नो, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग विच यू आर लाइक रिलेटिंग द थिंग, इट इज नॉट देयर. ठीक है, चलो, हाँ, फ्रूट रीनेम डेस्क कमलम, यस,
सो क्लाइमेक्स माइन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मॉलिब्डेनम। अच्छा, ये भी एक तरह का ऐसा क्वेश्चन है जो कभी कभी रैंडमली किसी भी माइन का पूछ ले। ये करंट अफेयर्स में हो सकता है पूछा उस टाइम पे न्यूज में हो। सो इट इज इन द यूएसए। सो इट इज कॉलोरेडो, एसेंशियल ट्रेस ऑफ मिनरल एंड यस। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव टुंड्रा वेजिटेशन। इनमें से किस में टुंड्रा वेजिटेशन नहीं है? अब टुंड्रा कहां मिलती है? टुंड्रा मिलती है आर्कटिक सर्कल के बाद में, 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर। ये इजी है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इजी है। ये क्वेश्चन अगर आप नहीं करके आ रहे तो गलत हो जाएगा, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। ये वही आंसर है जो अभी सीएपीएफ में नाटो वाले का आंसर था, बेलारूस। बेलारूस भी क्या कह रहा है यार मेरे से तुम? एक कहावत है ना कि यू इधर यू हेट मी और लव मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। तो बेलारूस भी ऐसा ही है कि यू कैन हेट मी, यू कैन लव मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। सो आंसर इज बेलारूस। बेलारूस देखो, बेलारूस आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड नहीं है। देखो यूएसए का आपको एरिया अगर आप देखोगे, जो प्रोविंस है अलास्का वाला, ठीक है, कनाडा का तो नॉर्थ वाला पार्ट है ही, रशिया का भी नॉर्थ वाला पार्ट। सो आंसर इज लुकाशेंको, ठीक है। सो दैट इज मतलब बेलारूस, टुंड्रा वेजिटेशन नहीं है वहां पर, ठीक है जी। यस, बेलारूस, अरे बेला चाओ वो स्पेन वाला है, बेलारूस को फुल इज्जत चाहिए। टिम्बर वेजिटेशन जनरली नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? यस, टिम्बर वेजिटेशन सामान्यतया इमारती लकड़ी वनस्पति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? सो टिम्बर वेजिटेशन इज जनरली नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? सब ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, एल्पाइन रीजन, टुंड्रा वेजिटेशन। हाँ, बेलारूस में रूस ही आ गया जब, तो बस बेला चाओ प्लस रूस है वो, ठीक है, वो बिल्कुल वैसे ही है। हाँ जी, अब देखो टिम्बर लकड़ी के लिए क्या चाहिए? पेड़ पौधे चाहिए। टुंड्रा वेजिटेशन में पेड़ पौधे ही नहीं है। सो आंसर हो गया डी, टेम्परेट में पेड़ पौधे हैं, एल्पाइन में भी मिल जाएंगे, इसमें भी एल्पाइन में जो शंकुधारी वन होते हैं, ठीक है, सब ट्रॉपिकल। सो आंसर इज डी, टुंड्रा, ठीक है। लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल्स? इनसेप्टी सोल्स, एंटी सोल्स, एल्फी सोल्स, वर्टी सोल्स। यस, ग्रास भी नहीं, लाइकेंस एंड मॉसेस ही हैं, ग्रास भी नहीं है उसमें, ठीक है। राउंड 40%, राउंड 40%, ठीक है। सो आंसर इज इनसेप्टिसोल्स। यस, ठीक है। अरे मोदी मतलब बिस्वा कंट्रोल, इनसेप्टिसोल। यस, मिल्पा और लडांग आर डिफरेंट नेम्स फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मिक्स्ड फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। हाँ जी, मिल्पा और लडांग, हाँ इस बार भी पूछा था रागिनी। 2022 वाले क्वेश्चन मेरे पास पीडीएफ में है, मैं ला नहीं पाया, मैं उसको कल लेकर आऊंगा। तो 2022 के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो कल कर लेंगे पूरे। यस, दिस इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब मेरे को दो क्वेश्चन बताओ, मेरी तरफ से दो क्वेश्चन है। मिल्पा कहाँ बोलते हैं, लडाख कहाँ बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, लदांग या लडांग जो भी है, लदांग और मिल्पा कहां बोलते हैं, और ये ट्रक फार्मिंग क्या है? ट्रक फार्मिंग क्या है, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ट्रक फार्मिंग। अरे चतुर, क्या बात है, चतुर आ गया। अरे विश्वा एंड मंथन अगर कोई है तो ठीक है, चलो चलो। यस, मिल्पा है मैक्सिको में, ठीक है जी, मिल्पा है मैक्सिको में। लडांग कहां पर है? इंडोनेशिया में, लडांग इंडोनेशिया में। यस रागिनी, वेरी गुड गुड, ठीक है। कीर्ति ने भी आई थिंक आंसर सही दिया था, मैक्सिको इंडोनेशिया। यस गुड, सो ठीक है, मिल्पा मैक्सिको, लडांग इंडोनेशिया। रोका, रोका ब्राजील में, ठीक है, झूम इंडिया में, ठीक है,
ट्रक फार्मिंग क्या होता है? ट्रक फार्मिंग क्या होता है? चलो बताओ जल्दी से, आगे बढ़े, सेशन कंप्लीट भी करना है, 5:15 हो गए। ट्रक फार्मिंग होता है, देखो बड़ा शहर है, ठीक है, उस शहर के आसपास में लोग या कह लो जो किसान है वो किस तरीके की खेती कर रहे हैं, या तो वो सब्जियां उगा रहे हैं कि रात में ट्रक, मतलब जल्दी यूरोप के कंट्रीज में ऐसा होता है, फ्लावर, ठीक है ठीक है, फ्लावर फ्लावर की खेती कर रहे हैं, मतलब उसकी नहीं है, क्या कहते हैं वो वाला नहीं, फायर वाला नहीं, फ्लावर, फायर फ्लावर प्रॉपर, ठीक है, फ्लोरिकल्चर जिसे बोलते हैं, ठीक है, मतलब रात में इसकी कटाई की और सुबह अर्ली मॉर्निंग में मार्केट में पहुंच गया, सब्जी हो गया, ठीक है, बाकी जो मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, फ्लावर हो गया, तो ट्रक का यूज किया जाता है, ठीक है, रात से सुबह में, ठीक है, ये पुष्पा वाला नहीं है, ये बेसिकली, सो दैट इज रिलेटेड टू ट्रक, ट्रक से फार्मिंग, ट्रक से फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, ट्रक को यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो जिसकी अर्बन एरियाज में डिमांड है, रेडिली डिमांड है, ठीक है, रेडिली डिमांड है, ठीक है जी, चलिए, तो आंसर इसका हो गया, ट्रक फार्मिंग समझ आ गया, वैसे इसका आंसर था शिफ्टिंग, ये हमने देख लिया। सो मिल्पा मैक्सिको, रोका ब्राजील, कॉनोको वेनेजुएला, सीवी, ठीक है जी, लड़के ने एमसीए किया हुआ है, ठीक है जी, और टीएम, सो टीटी, टीटी लगा हुआ है रेलवेज में, लडांग इंडोनेशिया, रे वियतनाम, कैंजिन फिलीपींस, चीना, श्रीलंका। ठीक है जी, चलो, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड, सेम फील्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न इज नोन एज मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, हाइब्रिड फार्मिंग। सुदीप, growing of two or more crops simultaneously on the same field in a definite pattern is known as mixed cropping, intercropping, mixed farming, hybrid farming. Yes, answer is no, it is not C, it is B. देखो mixed farming और mixed cropping में क्या फर्क है, mixed cropping और intercropping में, mixed farming की techniques है, जैसे कि एक तो खेती करना, cattle rearing, bee keeping, ठीक है, इसमें फार्मिंग की अलग अलग टेक्निक्स हो गई, सो दैट इज मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, इसका आंसर है इंटरक्रॉपिंग, जिसमें दो डेफिनेट पैटर्न्स में होता है, इसमें मोटिव अलग है, मिक्स्ड में क्या है, आपने मिक्स कर दिया दोनों चीजों, मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, यस, इसमें एम है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर, इसमें क्या है, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना इंटरक्रॉपिंग में, ठीक है, सीड्स ऑफ टू डिफरेंट क्रॉप्स मिक्स टूगेदर बिफोर सोइंग, इसमें सीड्स को मिक्स नहीं किया जाता है, applying fertilizers each crop is a tedious job, ठीक है, can be applied as per the needs of the crop, इसमें एक proper row नहीं होती है, इसमें proper row होती है कि हाँ जी ये row है, ठीक है, मकसद, इसमें मकसद होता है additional income, ठीक है, additional income, और इसमें मकसद होता है crop failure से बचना, कि at least एक crop हो जाए, ठीक है जी, मिक्स्ड फार्मिंग कमर्शियल में होता है ना, नहीं देखो मिक्स्ड फार्मिंग को आप कमर्शियल कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के मतलब कितना एरिया है, बट यस यू कैन से दैट इज ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज अ लाइक इफ यू हैव अ 2-3 फार्मिंग टेक्निक्स यू आर यूजिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट्स गेन्ड सिग्निफिकेंस फॉर हैंडलिंग आयरन ओर एक्सपोर्ट्स टू जापान, एग्जाम्पल किसका, पैडी किसका, नहीं नहीं इसका एग्जाम्पल दूं, ओके, मिक्स क्रॉपिंग का आप एग्जाम्पल समझ के चलो, जैसे इंटरक्रॉपिंग में हम क्या देखते हैं, वीट एंड ग्राम, ठीक है, गेहूं और चना लगाया, या गेहूं और सरसों लगा दिया, मस्टर्ड लगा दिया, ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट्स गेन्ड सिग्निफिकेंस फॉर हैंडलिंग आयरन एक्सपोर्ट्स टू, मुझे नींद क्यों आ रही है बेटा, पढ़ाई वढ़ाई चलती रहेगी, नींद सबसे इंपॉर्टेंट है, नींद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, फॉर हैंडलिंग आयरन एक्सपोर्ट्स टू जापान,
Kandla, Ennore, Kochi, Bharmagua. So answer is, which of the following seaports gained significance for handling iron exports to Japan? So that is Kandla or Bharmagua or Ennore, Kochi. Handling iron ore exports to Japan. Bharmagua, Kandla, Ennore, Kochi. Yes, yes, yes. Maximum bachon answer sahi diya, that is Bharmagua port. That is in Goa. ठीक है जी. यस. क्यों क्यों? क्योंकि यहां से आपको आयरन ओर मिलता है रत्नागिरी वाली बेल्ट से. रत्नागिरी वाली बेल्ट से अरेबिका, रोबुस्ता, लाइबेरिका कॉफी की टाइप्स हैं. टी की हैं, शुगर केन की है, कॉटन की हैं. अरेबिका, रोबुस्ता, लाइबेरिका, ये मैंने कई बार बताया है ना. वो कैपेचिनो, कैफे कैफे मौका, कैफे लाते क्या है. ठीक है. चलिए. सो आंसर इज योर कॉफी. ठीक है, आंसर इज योर कॉफी. सो अरेबिका, रोबुस्ता, लाइबेरिका. सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स. दे आर रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिना. क्ले, डीप इम्परमिएबल, फाउंड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात. हाँ जी, कौन सी सॉइल के बारे में बात चल रही है? आयरन रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमिना. जनरली क्ले, डीप एंड इम्परमिएबल, फाउंड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात. बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है. यस, आंसर इज गुड. आंसर इज योर डी. यस, आंसर इज योर डी. ठीक है जी, तो ये हो गया आपका आंसर इज डी, ब्लैक सॉइल. देखो सिंपल है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात. ठीक है, सलाइन नहीं होगा, लेटराइट सॉइल नहीं. ठीक है, लाइम, आयरन, मैग्नीशिया में रिच है, क्लेई सॉइल है. यस, ऑप्शन ही बचा, कॉटन वाली मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल, रेगुड सॉइल. यस, एल्यूवियल सॉइल्स आर रिच इन नेचर फ्रॉम सैंडी लोमी टू क्ले. दे आर रिच इन, पुअर इन पोटाश, रिच इन फॉस्फोरस, पुअर इन बोथ पोटाश एंड फॉस्फोरस. रिच इन पोटाश, फॉस्फोरस, रिच इन पोटाश, पुअर इन फॉस्फोरस. CDS 1 2021, क्वेश्चन नंबर 57. क्या बात है. जैसे वो एक जोक नहीं है कि मैं सब खा जाऊंगा, तो वो मेरे को लग रहा है कि मैं सब रट लूंगा, इतना मतलब हुआ करो यार. क्वेश्चन नंबर 57, क्या बात है, ये अलग लेवल का खतरनाक चल रहा है यहाँ पर. चलिए, सो रिच इन पोटाश, पुअर इन फॉस्फोरस, रिच इन दिस. टफ क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में पोटाश में है या फॉस्फोरस में है. सो ओके, ठीक है. सो आंसर इज डी. ठीक है जी, सो इट इज रिच इन पोटाश, पुअर इन फॉस्फोरस. ठीक है जी, सो रिच इन पोटाश, पुअर इन फॉस्फोरस, तो ये है. Identify the crops on the basis of the following characteristics. Nee, but that's a good thing that he has practiced well. That's a good thing. It's a kharif crop. Aus, aman, boro are the three different growing periods in the agricultural year. About 1/4 of the total crop area of India is under its cultivation. Wheat, rice, pulses, cotton. अच्छा, आपको पेज भी मालूम था, पांचवे पेज पे था. कोई ये भी बता दो कि लेफ्ट साइड में टॉप कॉर्नर वाला क्वेश्चन था. ठीक है, कितने क्वेश्चन और बच गए, बस कंप्लीट होने वाला है. मेरा भी तो सोचो, मैं भी खड़ा हूं डेढ़ घंटे से. चलो, सो आंसर इज राइस. ऑसमन बोरो कहां पर है ये? देखो खरीफ क्रॉप है तो वीट नहीं होगा. ठीक है, तो राइस 1/4 टोटल क्रॉप एरिया, सो आंसर इज राइस. तो ये आपको मिलता है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में. ठीक है, सो राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज ये. ठीक है, सो दिस, ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में इसको ऑसमन बोरो बोलते हैं. ठीक है, तीन वैरायटीज हो जाती है वहां पर.
Which one of the following state is not prominent for plantation agriculture? बस होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट प्रोमिनेंट फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर? राजस्थान, असम, नागालैंड, केरल. राइस वाली डिजीज, अभी तो मेरे को एक लंपी डिजीज याद आ रही है, ठीक है, आजकल न्यूज में चल रही है लंपी डिजीज. ओके, राजस्थान में नहीं होगा प्लांटेशन एग्रीकल्चर, वृक्षारोपण, ठीक है, वृक्षारोपण. सो असम, नागालैंड, केरल, यहां पर हो सकता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, बट ऑब्वियसली राजस्थान में नहीं. बेस्ट ऑप्शन, ठीक है. इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल, मॉलिसोल आर विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो लड्डू है वाला बिल्कुल, है ना, शुगर. किसकी टाइप से ये कह रहा है, किसका, किसके बारे में बात हो रही है? सॉयल, शुगर केन, कोल, कॉपर. हमारा राजस्थान, क्या बात है, अपना राजस्थान वाले सब खुश हो गए, इसलिए लेट हो गया. स्वप्नो, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है. चलिए, आंसर इज सॉयल, ठीक है, सिंपल, मतलब इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन क्या होगा. ओके, शार्प विटनेस्ड कॉन्टूर बंडिंग एंड कॉन्टूर प्लोइंग व्हाइल विजिटिंग वन ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया, आइडेंटिफाई द ऑप्शंस. कॉन्टूर बंडिंग, ये वाला है ना, स्लोप मान लो इस तरफ है खेत की, तो ऐसे आपने खेत को जोत दिया, उससे क्या होगा, पानी का फ्लो जो है नीचे की तरफ, मान लो ये खेत है ऐसे, ठीक है, आपने ऐसे इसको 90 डिग्री पे कर दिया, तो पानी अगर आएगा तो स्लोप में नीचे नहीं जाएगा, स्लो हो जाएगा, उससे सॉयल इरोजन नहीं होगा. सॉयल इरोजन नहीं होगा, कहां पर होगा, स्लोप. देखो, होने को पंजाब में भी हो सकता है, हरियाणा में भी हो सकता है, ऐसा नहीं नहीं होगा भाई, किसको स्लोप वाला एरिया तो वहां कॉन्टूर बंडिंग, बट ज्यादा चांसेस कहां पर है, ज्यादा चांसेस हिमाचल में, पहाड़ी इलाके में, ठीक है, जहां स्लोप है. चलो ये देखो, ये होता है, ये स्लोप है, ये आपने इस तरीके से 90 डिग्री पे इसको ये कर लिया, ठीक, तो इसे बोलते हैं कॉन्टूर बंडिंग. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, वंदे मातरम. यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस एंड थैंक्स फॉर पेशेंटली लिस्टिंग. सो दिस इज द QR कोड एंड द UPI ID फॉर द वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस. And you can connect with me on these social media platforms, that is Twitter, Telegram, Gmail, Facebook, Insta. अब तो teamnishtha.com live हो चुका है, please उस पर जाइए और अपनी सारी PDFs download कर लीजिए, ठीक है जी. Yes, thank you so much. Thank you Shubham, Adi, Aarti, Aparna, Soumya, Shailendra, Ekta, Govind, Gitanjali, Vats, Ankita, Vishakha, Rakhi, बहुत बहुत धन्यवाद. सो मिलते हैं रात को 9 बजे करंट अफेयर्स के सेशन में. मेनी पीपल आर नॉट अटेंडिंग द करंट अफेयर सेशन, आई डोंट नो व्हाई, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी करंट अफेयर जो हम पढ़ रहे हैं दैट कैन बी रेलेवेंट इन योर एग्जाम्स, बिकॉज अगेन इट्स अ कॉन्टिन्यूएशन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स. ये सारी की सारी मेहनत इसलिए हो रही है कि आप लोगों की रिवीजन हो जाए. डोंट मेक के भाई ये क्वेश्चन आपने इतनी बार पढ़ लिए हैं कई बच्चों ने कि याद हो गए हैं, बट इम्पॉर्टेंट इज कि आप इनका एक्सप्लेनेशन समझें और इनका कंसेप्ट समझें और चीज़ों को रिवाइज कर लें. इसके साथ साथ जो CAPF के क्वेश्चंस हैं, CAPF के क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी के या पॉलिटी के, उनको भी एक बार कर लें. सो ऑल दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है जी. कोई बात नहीं राखी, सर पेपर बन गया होगा. देखो पेपर बन गया होगा, अब ये तो अब सीधा चेयरपर्सन से बात करनी पड़ेगी कि सर आपने बना दिया पेपर या नहीं. बच्चे पूछ रहे थे, उनको कब के लिए बोलूं कि अब पेपर जो है तैयार हो चुका है, प्रिंट हो चुका है, ठीक है. तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, पेपर छप गया होगा या नहीं छपा होगा, आप तैयारी कीजिए. एंड जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इट इज़ लाइक वेन यू स्टडी लाइक कीप ऑन अपडेटिंग योर सेल्फ. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इवेंचुअली स्टडी ज्योग्राफी ऑल्सो, हिस्ट्री ऑल्सो, पॉलिटी ऑल्सो, ठीक है. खबर लो जरा, ठीक है जी. राम राम मानसी, थैंक यू, ठीक है. तो इम्पॉर्टेंट
मैंने आपको मॉर्निंग में भी एक चीज बोली थी, कई बार हमें भी नहीं पता होता कि हम में कितनी एनर्जी है, ठीक है। हम अपने आप को ना पहले से ही, अरे वो तो बड़ा इंटेलिजेंट था, उसका नहीं हुआ, मेरा कहाँ से हो जाएगा, या वो मेरे से ज्यादा पड़ता है। बिल्कुल भी आपका, ट्रस्ट मी, आपका किसी के साथ कॉम्पिटिशन नहीं है। इट इज द कॉम्पिटिशन विद योर सेल्फ ओनली, ठीक है। आपका कॉम्पिटिशन आपके खुद के साथ है, एंड एवरी डे यू हैव टू एड समथिंग इन टू यू। सो यू सपोज आज अगर हम बात कर रहे हैं 18 तारीख की, तो से 13 डेज ऑफ दिस एंड 3 डेज ऑफ दैट, सो 16 डेज आर लेफ्ट। सो यू हैव 16 इंटू 24 आवर्स, इफ आई विल से 10 आवर्स ऑफ स्टडी पर डे, सो यू कैन स्टडी 160 आवर्स मोर। 160 घंटे बहुत होते हैं। किसी एक चीज को आप 10 मिनट अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो दिमाग में रहती है। सो 160 आवर्स आर लाइक ह्यूज, सो ट्राई टू ऑप्टिमाइज दैट 160 आवर्स, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस, 12 बजे 4 बजे एंड रात को 9 बजे आज भी मिलेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सर। इस 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स रिवाइज करा दीजिए, मैंने ऑलरेडी करा दिया हुआ है। स्वप्नों, मैंने 6 महीने का जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर रिवाइज करा दिया हुआ है CAPF के टाइम पर। प्लीज गो थ्रू दोज वीडियोस, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, करंट अफेयर्स रिवीजन के सेशन के उस नाम पर, उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। उसमें क्वेश्चंस भी हैं आखिर में बहुत सारे, वो भी कराए गए थे और सेशंस भी लिए गए, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।